स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। आज हम आपके लाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक टोटली रिलेटेड है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 ह्यूमनॉइड रोबोट। इसका मतलब ये है कि ये रोबोट्स बेशक एकदम एक इंसान जैसे दिखते हैं, शायद अगर आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि सच में ये इंसान है या फिर रोबोट। इमेजिन करिए आप कोई भी कंट्री में टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ का आपको लोकल गाइड एक रोबोट मिलता है तो आपको कितना मज़ा आएगा। ये रोबोट्स आपका इमोशंस हर चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल हैं। और अगर आप कोई रेस्टोरेंट जाते हैं और सोचिए खाना देने या ऑर्डर लेने रोबोट आता है तो आपको कितना हैरान होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग नंबर वन पे आता है फीमेल जैसी दिखने वाली रोबोट जिसका नाम है नैदीन। अगर आप इसको देखेंगे तो आप बेशक बहुत ही हैरान होंगे, क्या सच में ये रोबोट है? ये तो एकदम इंसान जैसी दिखती है और इसका अपीयरेंस टोटल एकदम ह्यूमन जैसा है। ये आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करेगी, ये आपके साथ हैंड भी शेक करेगी। अगर आप इससे बातें करेंगे तो ये आपके साथ बातें भी करेगी। इस रोबोट को डेवलप करा था कोकोरो कंपनी जो कि लोकेटेड है जापान में, और इसका सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जापान में। और सबसे हैरानी की बात है ये रोबोट जॉब भी करती है एक इंश्योरेंस कंपनी में जो कि सिंगापुर में है। दोस्तों इस रोबोट में बहुत सारे 3D डेप्थ कैमरे हैं, एक माइक्रोफोन है, वेबकैम है और टोटल ये पावर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। ये आपके जेस्टर्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के काबिल हैं और ये 6 लैंग्वेज में भी बोल सकती है, जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, हिंदी और जैपनीज। इसी मारे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इससे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मशहूर रोबोट जिसका नाम है सोफिया। क्या आप सोचते हैं खाली एक इंसानी को सिटीजनशिप मिल सकती है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस रोबोट सोफिया को सिटीजनशिप मिली हुई है, ये सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल सिटीजन है। इस रोबोट को बनाया था दोस्तों हैंसन रोबोटिक्स ने जो कि लोकेटेड है हांगकांग में, और ये काफ़ी मशहूर रोबोट है। ये लगभग मशहूर ऑड्रे हेपबर्न जो कि फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं एकदम उनके जैसे ही दिखती हैं। और दोस्तों ये रोबोट काम करती है नर्सिंग होम में एज अ क्राउड मैनेजर, और ये बहुत ही लार्ज इवेंट्स या पार्क्स में भी काम करने के कैपेबल हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है न्यूरल नेटवर्क्स की, एक्सपर्ट रोबोटिक सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन परसेप्शन, मोटर कंट्रोल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बात करेंगे तो पूरी लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी। ये काबिल है ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन इमोशंस, हैंड जेस्टर्स, एक्सप्रेशंस को रिकग्नाइज और करने की। इसके पास हाथ हैं, आइस है, लेग्स है, ये सब कंट्रोल करती है और ये बहुत ही एडवांस रोबोट है। अब हम बात करेंगे एक रोबोट की जिसका नाम है जिया जिया। आप ही सोचते होंगे कैसा नाम है। ये रोबोट चाइनीज रोबोट्स है, इसको बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि लोकेटेड है चाइना में। ये चाइना की अब तक की सबसे खूबसूरत रोबोट है। ये भी रोबोट दोस्तों कैपेबल है लोगों से बात करने में, उनके एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड करने में और उनके हेल्प करने में। और सबसे अच्छी बात है इस रोबोट की वन ऑफ द बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी आई मूवमेंट और इसकी स्पीच लिप सिंक्रोनाइजेशन। और ये अपने जो भी इससे सहायता मांगता है ये माय लॉर्ड की तरह उससे बात करती है। और इसमें बहुत अच्छा फैशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करा गया है, ये बहुत सारे फेसेस ट्रैक कर लेगी एक ही रूम में। नंबर तीन पे आती है एक न्यूज़ रिपोर्टर रोबोट। शायद न्यूज़ तो बहुत लोग देखते होंगे, क्या आपको हैरत होंगे आप अगर आप देखेंगे एक न्यूज़ रिपोर्टर एक रोबोट है और इस रोबोट का नाम है एरिका। अगर आप जापान में रहते हैं तो आपको डेली न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी एक रोबोट से। दोस्तों इस रोबोट को बनाया था जापानीज़ कंपनी हिरोशी इशुगोरो ने।
ये बना था इंटेलिजेंट रोबोटिक्स लेबोरेटरी में, जो कि लोकेटेड है ओसाका यूनिवर्सिटी में। ये अब तक की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होम्यूनाइड रोबोट मानी जाती है। ये रोबोट वॉक नहीं कर सकती है, लेकिन ये ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और इसके पास भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन। जैसे आप इससे बात करेंगे उस हिसाब से आपको फेशियल कंजर्वेशन मिलेंगी। इसमें 15 इनबिल्ट इंफ्रारेड सेंसर भी हैं जो आपकी आंखों को के मूवमेंट को ट्रैक करती रहेंगी। इसमें आपको स्पीच जनरेशन एल्गोरिथम्स और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, और ये अपना फेस नेक सब कुछ 40-50 डिग्री में मूव कर सकती है। अगर आप एक टूरिस्ट हैं जापान में, क्या आपको एक रोबोट लोकल गाइड की तरह पसंद आएगा? तो अगर पसंद आता है तो बेशक। इस रोबोट का नाम है जूनको चिहिरा। ये रोबोट जापानीज कंपनी ने बनाया था। ये एक लोकल गाइड की तरह काम करता है। ये जापान के एक्वा सिटी ओडाइबा में एक शॉपिंग सेंटर में उसके सामने जो वाटर फ्रंट है वहाँ ये काम करती है। इसको मशहूर कंपनी तोशिबा ने बनाया है। इसके पास ये बहुत ही इंक्रेडिबल इंट्रैक्शन स्किल्स हैं, और ये फैशियल एक्सप्रेशन बहुत आसानी से ट्रैक कर लेती है, और इसको लैंग्वेज जैसे जैपनीज इंग्लिश और चाइनीज बहुत ईजी से कम्युनिकेट कर लेती है। और सबसे अच्छी बात है, जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके साथ ये बहुत अच्छी से डील करती है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ये दोस्तों स्पीच सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ पैक्ड है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट भी करें। आप लोग का शुक्रिया।